आज से 3-4 साल पहले इंडियन कैप्टन जब विराट कोहली हुआ करते थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में कहीं भी टेस्ट मैचेस अगर हों तो वो होने चाहिए ड्यूक बॉल से। अब ड्यूक बॉल को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे यू नो क्वेश्चन उठे उस जमाने में भी। और अगर आपने लगातार हमारा चैनल आप जो फॉलो कर रहे हैं, मैंने कुकुबुरा का रिव्यू करा है, मैंने एसजी टेस्ट का करा है, लेकिन आज बहुत ही हिस्टोरिक दिन है क्योंकि काफ़ी लोगों ने जितने सब्सक्राइबर हमारे लगातार बोल रहे थे कि ड्यूक बॉल आप लेके आइए। तो फर्स्ट टाइम इन इंडियन, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अभी किसी ने भी हिंदुस्तान में अभी तक ड्यूक बॉल का रिव्यू नहीं किया है। लाइक रिव्यू हुए होंगे लेकिन ओरिजिनल बॉल के साथ नहीं हुए अभी तक। तो आपके लिए स्पेशल आज ड्यूक बॉल, चलिए पहले आपको दिखा देते हैं। और दिस विल बी अ वेरी स्पेशल क्योंकि बहुत लोगों ने डिमांड भी करी थी, लगातार बोल रहे थे। तो वी हैव गॉट स्पेशली फ्रॉम इंग्लैंड से बॉल आई है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी बॉल जो रखी हैं उसमें ये रही ड्यूक बॉल मेड इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के जितने मैचेस होते हैं और काउंटी क्रिकेट उसमें ये बॉल यूज होती है। और अभी हमारे पास यू कैन सी ये वाइट में, देखिए वाइट में ये रही ड्यूक बॉल। ड्यूक्स 1760 की कंपनी, इमेजिन करिए 1760 जब हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, हम लोग 3 गुना लगान भर रहे थे इसी बॉल, लगान में भी इसी बॉल से मैच हुआ था, मजाक कर रहे हैं यार। लेकिन आप दूसरी बॉल देखिए, आप ये देखिए ये ड्यूक बॉल है और ये एसजी टेस्ट है आपके सामने, एसजी टेस्ट ये रही। कुकुबुरा का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं जाके अदर वीडियोज़ में। ये एसजी टेस्ट है जो कि हिंदुस्तान में जितने टेस्ट मैचेस होते हैं वो ये बॉल यूज़ होती है, इंग्लैंड में इस बॉल को यूज़ किया जाता है टेस्ट मैचेस में। बॉल में क्या डिफरेंस है ये आपको बताऊंगा, इसका वेट क्या है, प्राइस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक प्लेयर से भी आपको मिलाएंगे जो कि इस बॉल से लगातार यू नो खेलते आए हैं, तो वो बताएंगे, मतलब एक प्लेयर का पर्सपेक्टिव बताएंगे कि प्लेयर्स को क्या डिफिकल्टी हुई इस बॉल से खेलने में, एडवांटेज। लेकिन सबसे पहली बात, चलिए स्टार्ट ऑब्वियसली ड्यूक से करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, सी द डिफरेंस ऑफ द कलर ऑफ द बॉल। एसजी टेस्ट का कलर देखिए आप, लाइट है। अगर आप देखिए ये इसका कलर देखिए, डार्किश इसमें टोन अलग ही नजर आ रही है, लाकर देखिए अलग ही डार्क कलर इसमें नजर आ रहा है। और ये सेम जो आप देख रहे हैं इस बॉल की, ये हैंड स्टिच्ड है, इट्स अ हैंड स्टिच बॉल और काफ़ी लंबे समय तक ये सीम रहती है। एडवांटेज इसका क्या है कि लंबे समय तक इसकी सीम रहती है। और विराट कोहली ने भी, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, विराट कोहली जब कैप्टन थे इंडियन टेस्ट टीम के, तो उन्होंने बोला था कि इस बॉल को दुनिया भर के टेस्ट मैचेस में यूज करना चाहिए क्योंकि हमेशा बॉलर गेम में बने रहते हैं, तो जो बैटल होता है बैट और बॉल के बीच वो बराबर। इंडिया में भी चाहते थे इस बॉल को यूज करना, आई थिंक इंडिया क्वेश्चन मार्क है इस बॉल को लेकर, एसजी टेस्ट यूज होती है। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें इंडियन विकेट्स की, तो आई थिंक एसजी टेस्ट ज्यादा सूट करेगी। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि विराट कोहली शायद यहाँ गलत है उसकी, क्योंकि उसके कुछ रीजन आपको पॉइंट बताऊंगा। और अभी चलिए इस बॉल पे चर्चा दोबारा करते हैं, क्यों ये बॉल स्पेशल है, बस हैंड स्टिच बॉल करता है सीम का, और पूरा सुनाया भी और पुराना बॉल भी सीम करता है। मैं आप कर रहा हूं, जब मैं होल्ड कर रहा हूं एज अ बॉलर, अगर मैं देखूं और दिखने में भी थोड़ा ज्यादा, अरे ऐसे ही पूछ रहा था उसको बोल रहा है, जो ग्रिप है हैंड में वो प्रॉपर ज्यादा अच्छी आ रही है मेरे हाथ में। हैंड स्टिच एसजी टेस्ट भी होती है, अरे नहीं वो ऐसे बना रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा हैंड में जो फिटिंग है वो एसजी के मुकाबले ड्यूक बॉल की आती है। और इस बार इस बॉल का जो वेट है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, इस बॉल का लगभग वेट है 158 ग्राम, 158 ग्राम की ये बॉल है। और एसजी टेस्ट का आपको वेट दिखा देते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग बॉल्स का, तो ये रही एसजी टेस्ट का वेट यहाँ पर है 156, तो लगभग 2 ग्राम एक्स्ट्रा वेट है इस बॉल का। लेकिन इस बॉल की जो ग्रिप है वो मुझे बेटर लग रही है, लैकर ज्यादा है, दिन भर बॉल स्विंग करती है। और अगर हम विराट कोहली का स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करें, जिन्होंने बोला था हर जगह ये बॉल यूज होनी चाहिए, इंडियन कंडीशन में आप देखिए ये बॉल सर्वाइव करती है, लंबे समय तक इसकी ग्रिप बनी रहती है और लंबे समय स्विंग करती है। रीजन है हमेशा ओवरकास्ट कंडीशन रहते हैं, ग्रीन टॉप विकेट रहते हैं, तो लंबे समय तक बॉल की शाइन बनी रहती है, मतलब बॉल खेलने लायक बनी रहती है। लेकिन इंडिया में आपने देखा डस्ट बॉल्स हैं, विकेट की हालत कितनी खराब होती है, तो वहां पर ये बॉल जल्दी खराब हो जाएगी। तो आई थिंक ये एक नेगेटिव पॉइंट है जहां पर एसजी स्कोर करता है। और हल्का सा वेट ज्यादा है इस बॉल का, अगर हम बात करें ड्यूक बॉल का, ड्यूक और कुकुबुरा का वेट लगभग बराबर, 158 ग्राम कुकुबुरा भी है। तो अब
पर्सपेक्टिव लेते हैं प्लेयर का जो कि इस बॉल से लगातार यू नो खेले हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं जब वो बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं कि वो कैसा प्लेयर, और कौन है हमारे सुपरस्टार प्लेयर, हमारे भाई शावेज, शावेज विल टेल अस, शावेज भाई इज हियर। तो शावेज, ये बॉल ऑब्वियसली यू हैव सीन इट, यू हैव प्लेड विद इट, क्या डिफरेंस है जब आप इससे बैटिंग बॉलिंग करते हैं, बताइए जरा व्यूअर्स को। एज अ बैट्समैन, एज अ बैट्समैन तो ये काफी बॉल स्विंग होता है बॉल, और साइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जो इंग्लैंड में इससे मैचेस होते हैं बिकॉज कुकाबुरा से कंपेयर करें तो इसका सीम बहुत उठा हुआ होता है, और कुकाबुरा का बॉल सीम दबा हुआ होता है, दबा होता है, स्ट्रेच अंदर तो ये जितना आप देखा है इंग्लिश कंडीशन में बॉल काफी स्विंग होता है और कट होता है, कट होता है बिकॉज ऑफ इसका सीम बहुत उठा होता है, बिल्कुल ठीक है। वैसे हम ज्यादातर एजी टेस्ट बॉल से ही खेले इंडिया में सारे क्रिकेट, तो इसका ये बॉल अच्छा साइट होता है हमें, क्योंकि हमें हो सकता है हमें इसकी आदत हो तो हमें एसजी की बॉल अच्छा मतलब साइट होता है, और ये जितना पुराना होता है और अच्छा स्विंग होता है एसजी बॉल, और ये नया बॉल इतना नहीं होता है एसजी, पुराना बॉल जितना होता रहता है उतना स्विंग रिवर्स होता है, बट ये बॉल पूरे टाइम स्विंग होता है और कट होता है और सीम होता है, और बाउंस ज्यादा मिलता है इसमें, हां बिकॉज़ सीम कट पे बाउंस हुआ ज्यादा मिलेगा, देखो कभी इंग्लैंड में आपको कभी ऊपर से निकल जाता है तो बिकॉज़ ऑफ सीम बहुत उठा होता है इसका सीम, बिल्कुल। और आपने बड़ी कमाल की बात बोली यहां पर, जो मुझे भी बॉल देख के नजर आ रही है कि साइटिंग में शायद प्रॉब्लम होती होगी, यस ब्लैक थोड़ा डार्क बॉल है, डार्किश नहीं, आप ये कलर देखिए डार्किश, एज अ बैट्समैन डिफिकल्टी होगी तो सामने से बताया, ये ऐसा साइट होता है, ये बढ़िया साइट होगा एज अ बैट्समैन भी, आप जब आप इसे नेट्स में यूज करेंगे, तो मैंने भी ये फील किया नेट्स में जो शावेज लगातार खेल रहे हैं खुद ही। अब शावेज एज अ बॉलर बताओ, एज अ बॉलर एडवांटेज क्या है, बॉलर क्या है ये बॉल, मुझे बॉल मैंने से बॉल डाला अभी दुबई में आईसीसी में, जब मैं अभी खेलने गया था टूर्नामेंट खेलने गया राइट, तो उस पे बॉल डालने में इसमें बहुत मतलब बॉल कट होता है, कट होता है यस, स्विंग भी ज्यादा मिलता है, स्विंग भी मिलता है यस, ये बॉल कट होता है स्विंग सी मिलता है, और ग्रिपिंग फास्ट बॉलर के लिए किसकी ग्रिप बेटर लग रही है, दोनों आप होल्ड करिए इस बॉल को, होल्ड करिए तो ऑब्वियसली सीम जो उठा होता है उसमें, लेकिन क्या ये भी अच्छा बॉल है, ग्रिप भी सही है, यस यस इसका भी उठा हुआ है, बस कंपेयर करें कुकाबुरा से तो वो थोड़ा सीम दबा होता है, उसको ग्रिप करने मुश्किल होता है, पर इन बॉल को ग्रिप करने में अच्छा होता है इन बॉल को, तो ये प्लेयर्स पर्सपेक्टिव था, और शावेज ने बेहतरीन इसलिए मैं समझाया, तो आई थिंक साइटिंग में जैसे शावेज ने बोला साइटिंग में प्रॉब्लम हल्की सी आती है, और बेटर ग्रिप करने में ये बॉल बेटर एज अ बॉलर भी, तो दोनों तरीके के एडवांटेज शावेज ने बता दिए, कंपेयर टू कुकाबुरा, कंपेयर टू कुकाबुरा, और कुकाबुरा तो ऑब्वियसली हम लोग स्लिप होता है, स्लिप होता है, अंदर दबा होता है, दबा होता है, उससे रन बड़े पड़ते हैं, सारे आईसीसी इवेंट्स में यूज होते हैं, हम लोग रिव्यू कर चुके हैं कुकाबुरा यहाँ पर, यू कैन सी इट इन अदर वीडियोस, तो थैंक यू ब्रदर, यहाँ पर शावेज ने अपना पर्सपेक्टिव बताया कि कैसे बॉल होती है, तो ऐसे यू नो प्रोफेशनल लोगों की भी आपको यहाँ पर मदद मिलेगी कि कैसे यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ड्यूक बॉल यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बता दूं आपको मैं, मेड इन इंग्लैंड, और इस बॉल का कंपैरिजन करा मैंने एसजी टेस्ट से, राइट। अब प्राइसिंग की बात करते हैं, तो इस बॉल की कीमत 2500 रुपये है, एसजी टेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि मार्केट में लगभग 2500 रुपये की एक बॉल आती है, और इस बॉल की कीमत जो मेरे हाथ में ड्यूक की ये है 3500 to 4000 रुपीज़, लगभग 4000 रुपये की ये बॉल है, और आई थिंक इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में ये बॉल यूज़ हो रही है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एसजी टेस्ट होती है, ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा होती है, तो ये सारी बॉल है, इनफैक्ट आपके सामने हम लोगों ने रिव्यू कर दी है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए क्या इंडिया में इस बॉल को यूज होना चाहिए, जैसे मैंने आपको सारे पॉइंट भी बताए हैं, तो अगेन आई विल रिपीट, हैंड स्टिच बॉल, लैकर डार्कर होता है, और यू कैन सी क्राफ्टेड अच्छी है, ये देखिए मेड इन इंग्लैंड, और सबसे सबसे कमाल की बात क्या रही, वी आर द फर्स्ट वन हिंदुस्तान में, फर्स्ट टाइम किसी ने इसको अनबॉक्स किया, इस बॉल को आपके सामने, स्पेशली जितने स्पोर्ट्स लॉन्चपैड फैमिली लगातार मुझसे बोल रहे थे कि लगातार इस बॉल को रिव्यू करिए, तो फाइनली मैंने इस बॉल को रिव्यू किया, अब आप बताइए नेक्स्ट में क्या रिव्यू करूं, और अब आप बताइए आपने तीनों बॉलें देख ली, मैंने कुकाबुरा भी यहां पर रिव्यू करी, वो आप देख सकते हैं अदर वीडियो में जाके, एसजी टेस्ट हमारे सामने है, ड्यूक हमारे पास, ये रही दोनों बॉलें, तो आप बताइए बेस्ट बॉल आपके हिसाब से वर्ल्ड में कौन सी है, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूँ, और अब आप बताइए कमेंट करके बताइए, और लगातार स्पोर्ट्स लॉन्चपैड फॉलो करते रहिए, और ऐसे लगातार आते रहेंगे आपके सामने, थैंक यू सो मच, सी यू।